तो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कैप्टोडेटिव इफेक्ट, कैप्टोडेटिव इफेक्ट के बारे में, या इसी का दूसरा नाम है पुश पुल इफेक्ट, पुश पुल इफेक्ट, कैप्टोडेटिव इफेक्ट या पुश पुल इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये क्या कहता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, ये दोनों जो आपके ग्रुप हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों ही क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं, फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, दोनों ही फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेना चाहते हो, तो जैसे मान लो आपका कोई फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये है आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप किस तरीके का ग्रुप है, तो ये आपका माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला एक ग्रुप है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इसके बगल में, इस कार्बन के बगल में यहाँ पे है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बॉन्ड का फिशन होगा, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होने की वजह से इजिली क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा होमोलिटिक फिशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था पाई बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिया, अगर ये ऐसा होता है सिचुएशन तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फ्री रेडिकल था वह अब फ्री रेडिकल नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वह अनपेड इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह गया, अब वो पेयर्ड हो गया, क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे इस इफेक्ट द्वारा आपने देखा कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वह पेयर अप हो गया, पेयर अप होने का मतलब हो गया अब वो स्टेबलाइज हो गया, अब वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, फिर से क्या होगा, ए बॉन्ड टूटेगा, फिर आपका जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल ए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर इस पे चला जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी इस कार्बन पे कभी नाइट्रोजन पे, कभी कार्बन पे कभी नाइट्रोजन पे, इस तरीके से ये क्या होगा, रिजोनेंस करेगा ये फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्री रेडिकल हो गया आपका, ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप क्या कर रहा है, इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है, तो यही तो ये कह रहा था, ये कह रहा था कि चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, दोनों ही फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे जिस तरह यहाँ पे मान लो कि किसी वजह से आपका जो फ्री रेडिकल है वह कुछ इस तरीके का है, जो आपका फ्री रेडिकल है वह कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इसमें जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, और जब होमोलिटिक फिशन होगा तो इस कार्बन ऊपर पॉजिटिव एक आप यहाँ पे लिखी लो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के पास में, और एक का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, कार्बन के पास में, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी था और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये आपका बन जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन था वह अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पास में, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, होमोलिटिक फिशन होगा, फिर ये वाला यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फिर बन जाएगा, तो कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, कभी ऑक्सीजन के पास में, कभी यहाँ पे, इस तरीके से क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, क्या होगा, जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा, रिजोनेंस करेगा, तो क्या होगा, रिजोनेंस होने से या डीलोकलाइजेशन होने से क्या होगा, आपका एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होने का मतलब ये जो फ्री रेडिकल होगा, ये जो आपका स्पीसीज होगा वह स्टेबलाइज होगा। ठीक है,
इसी तरीके से आप बात करते हो अगर वो, इसी तरीके से आप बात करते हो कि आपका किसी वजह से जो फ्री रेडिकल है, मान लो आपका फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके का है, मान लो आपका जो फ्री रेडिकल है वह कुछ इस तरीके का है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है इस तरीके का है, तो ए क्या करने वाला है, ए अपना जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यह इसका जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में रियली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, वांट टू अचीव ऑक्टेट, हर एक एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट रूल तो यही बोलता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से और मिल जाए। तो अगर ये अगर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है इस कार्बन के साथ में, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह पेयर अप हो जाएगा, जो पेयर अप हो जाएगा तो यहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे बन जाएगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन है आपका, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी थे और एक आपका इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे। ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन था वह पहले कार्बन से आप कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। और फिर ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये आपका ऑक्सीजन ए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा, कभी कार्बन के ऊपर कभी ऑक्सीजन के ऊपर, इस तरीके से रिजोनेंस करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और फ्लक्चुएट जब करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपका ये जो स्पीसीज होगा ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ग्रुप था ये किस तरीके का ग्रुप था, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करता था, ये प्लस एम इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। लेकिन ये जो ग्रुप है यहाँ पे रेडिकल को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसी तरीके से आप मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बन फ्री रेडिकल है वह कुछ इस तरीके का है, इस क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर अप कर लेता है, शेयर कर लेता है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके का डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे दो दो चार एक पांच, पांच इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके क्लोरीन के पास में होंगे। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था अब वो क्लोरीन के ऊपर क्रिएट हो गया। अब क्लोरीन के ऊपर क्रिएट होने से क्या हुआ कि ए अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन से अब क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया। अब फिर जब ये आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फिर से जो क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर क्रिएट, 3 लोन पेयर हो जाएंगे और ए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कभी कार्बन के ऊपर कभी क्लोरीन के ऊपर ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, यानी ये रिजोनेंस करेगा, ये रिजोनेट करेगा आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये जो स्पीसीज होगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हुआ जो आपका फ्री रेडिकल होता है वह रिजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होता है। जैसे मान लो आपका कोई फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे होमोलिटिक, इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा इस तरीके का, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के पास में आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे जब आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और फिर ये होमोलिटिक फिशन होगा, फिर यहाँ पे आपका इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये वाला यहाँ पे होगा, इस तरीके से जो आप देख रहे हो कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ यहाँ पे आ गया, फिर आगे चल करके आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वह डिफरेंट कार्बन सेंटर पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, तो यानी जो फ्री रेडिकल है स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन आ रहा है इस फ्री रेडिकल का वह किस वजह से आ रहा है, रिजोनेंस की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से बात कर तो हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, ये जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट द्वारा भी आपका फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। जैसे आप यहाँ पे
ठीक है, ये आपका फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल आपका इस तरीके का है, और एक फ्री रेडिकल आपका इस तरीके का है, एक आपका फ्री रेडिकल इस तरीके का है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, एक फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के बगल में जो कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6, 3, 9। तो इस स्पीसीज के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको पता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ज्यादा आपका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका सबसे ज्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वह यह होगा, फिर ये होगा, फिर ये सबसे लीस्ट आपका स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। हम बात करेंगे सम सम स्टेबल रेडिकल के बारे में, सम स्टेबल रेडिकल, या इसी का दूसरा नाम है परसिस्टेंट रेडिकल, परसिस्टेंट रेडिकल। परसिस्टेंट रेडिकल का मतलब हुआ कि ऐसा रेडिकल जो बरकरार रहता है, बरकरार रहने का मतलब हुआ कि देखो फ्री रेडिकल जो होते हैं वह एक इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं फिर आगे चल के प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी जो फ्री रेडिकल होता है वह रिएक्टिव होता है। क्या होता है, फ्री रेडिकल आपका रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल जो होता है आपका वो रिएक्टिव होता है, वह किसी न किसी से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, रिएक्टिव होने का मतलब वह किसी न किसी से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन कुछ ऐसे रेडिकल होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और बहुत कम रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये आपके इनडिपेंडेंटली फ्री फ्री होकर के एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो कौन से आपके ऐसे रेडिकल हैं, तो आपका ए रेडिकल हो गया, या आपका कुछ ए जो रेडिकल आपका हो गया, ठीक है, या आपका ए रेडिकल हो गया। ये सारे रेडिकल आपके इतने ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचर में, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी के बाद कंपेयर करोगे, स्टेबिलिटी आप फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी आप फ्री रेडिकल अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वह ए होगा, ए है आपका बेंजाइन फ्री रेडिकल, बेंजिल फ्री रेडिकल। उसके बाद आपका एलाइलिक रेडिकल होगा, उसके बाद आपका टर्सरी फ्री रेडिकल होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल, उसके बाद आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर आपका ए डबल बॉन्ड पे इथाइन फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद आपका बेंजीन फ्री रेडिकल, फिर आपका इथाइन एसिटिलीन एसिटिलीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर आप बात करते हो आयोडीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन रेडिकल, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो देखो वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल आपका ऐसा स्पीसीज है जिसके ऊपर जो क्या करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये सारे के सारे आपके स्पीसीज अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो फ्री रेडिकल आपका वो स्टेबल होगा जो जिसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा जो आपका स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वह आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। देखो
फ्री रेडिकल जो होते हैं, जैसे ए आयोडीन हो गया ना, तो आयोडीन के ऊपर अगर आयोडीन आपका फ्री रेडिकल के रूप में एग्जिस्ट करता है, देखो आप सबसे फ्लोरीन फ्री रेडिकल के बारे में कंसीडर करो, इस फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का जो फ्री रेडिकल है वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो कैसा काम करते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी दूसरे स्पीसीज से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ज्यादा जो आपका रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा वह वो होगा जो आपका ज्यादा भूखा होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसकी साइज बड़ी होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वह कम होगी, क्योंकि इस जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी वह ए आयोडीन आपका फ्री रेडिकल कम फील करेगा, ब्रोमीन ज्यादा करेगा, क्लोरीन फील करेगा। ठीक है, क्लोरीन सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन को कम फील करेगा। ठीक है, इस वजह से आपका जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा वो क्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। तो यह है आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, हाइब्रिडाइजेशन की, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, ठीक है, तो इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन को आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आप काउंट करते हो। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, इस मिथाइल फ्री रेडिकल में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 है, 1 2 3। अब 3 से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वह कैसा होगा, sp2। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है आपका, ये फ्री रेडिकल अगर मान लो आपका ए पाई बॉन्ड के द्वारा, अगर ये आपका ये पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है, और होमोलिटिक फिशन के द्वारा यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है इस तरीके का, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा इस तरीके से। अगर ये फ्री रेडिकल आपका रेजोनेंस भी करता है, फिर भी यहाँ पे आप देखोगे कि जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो इस फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा, और इसका भी क्या होगा, sp2 होगा, क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करते हो ट्राई फ्लूरो मिथेन, ट्राई फ्लूरो मिथेन फ्री रेडिकल की बात अगर आप करते हो, तो इस फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह आपका sp3 होगा, क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, क्या होगा, sp3 होगा। क्यों होगा sp3, क्योंकि ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो क्लोरीन बहुत सबसे ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बारे में बात करोगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बारे में बात करोगे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन को, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और ये यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो तीन तीन आपके हाई इलेक्ट्रॉन डोनेट, हाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो कि माइनस आई इफेक्ट द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वह काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, इनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो पावर है वह बहुत ज्यादा हाई है। इस कारण से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वह, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वह काफी ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा कि कार्बन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाने से क्या होगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब वो अनपेयर्ड इसकी इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब देखो कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कार्बन जो कार्बन की कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवार्ड इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर लेगा, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी। और जब इसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जो ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है। तो ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जो कि आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ था, वह हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ए ऑर्बिटल आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंडर में आने लगेगा। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या होगा, sp3। तो आपका CF3 मतलब कार्बन ट्राइफ्लोरोमीथेन जो फ्री रेडिकल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास में अगर कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, आपके पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, ठीक है, मान लो ए बॉन्ड आपका ए है, ए बॉन्ड मान लो बी है, ए बॉन्ड आपका सी है। अगर आपको पूछा जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए, किस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उस देखो सबसे ज्यादा इजी कौन होगा बॉन्ड को तोड़ना, ए वाला बॉन्ड आपका ज्यादा इजी होगा कि ए होगा कि ये होगा, किस किस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो उस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी जहां पे आपका आफ्टर होमोलिटिक फिशन जो स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है वह क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मान लो अगर सपोज दैट इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है, तो अगर होमोलिटिक फिशन होता है यहाँ पे आपका टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल आपका जनरेट होगा। क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल आपका जनरेट होगा। ठीक है, अभी जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल जो है आपका, यह इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर एक मान लो इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है, तो यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसके 7 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मान लो इसका अगर होमोलिटी फिशन होता है इस बॉन्ड का, तो यहाँ पे आपका मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास में 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज फ्री रेडिकल कौन बन रहा है, आपका एक बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड ए है इसके होमोलिटिक फिशन द्वारा जो रेडिकल जनरेट हो रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उस बॉन्ड को तो देखो अगर ये बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड के टूटने के बाद में जो स्पीसीज बन रहा है वह जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ज्यादा आपका तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज्यादा कम एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी, ए बॉन्ड को, फिर बी बॉन्ड को, फिर सी बॉन्ड को। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वह ये कहता है कि जिस एक क्या बोलता है, ये कहता है देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बोलता है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिस बॉन्ड को तोड़ने पर स्टेबल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल प्राप्त होता है,
उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है। ठीक है, जिस बॉन्ड को तोड़ने पर स्टेबल फ्री रेडिकल मिलता है वह बॉन्ड उतना इजी होगा, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या होगा, इजी होगा। तो सबसे ज्यादा जो लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वह ए का होगा। सबसे कम एनर्जी कहाँ पे लगेगा, ए को तोड़ने में, फिर बी बॉन्ड को तोड़ने में, फिर आपका सी बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि सी बॉन्ड को तोड़ने पर जो रेडिकल बन रहा होगा सबसे लीस्ट स्टेबल है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और ए बॉन्ड को तोड़ना सबसे इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इसको तोड़ने पर जो फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है वह ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट ए आपने समझ लिया। और दूसरी बात यह है कि देखो, ए जो आपका ग्रुप है, बल्कि है ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसकी साइज काफी बड़ी होती है, इस वजह से इसका ये क्या करेगा, ये लार्ज साइज का है, ये जो ग्रुप है क्या है, लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है, ये जो ग्रुप है आपका लार्ज साइज का, ए ग्रुप जो है आपका वो भी लार्ज साइज का है, क्या है, लार्ज साइज का है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, जितना ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड इस बॉन्ड है, ये दोनों ग्रुप जितना ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे उतना ज्यादा ये बॉन्ड क्या होगा आपका, उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ये जो दो एक ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है, अगर दो बल्कि ग्रुप है आपके एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा रिपेल करेंगे उतना ज्यादा एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, उतना जितना ज्यादा अगर ये दूर जाना चाहते हैं, अगर इनके दोनों के रिपल्सन के कारण से ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो ये बॉन्ड खुद ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हो तो ये अगर आप कंपेयर करते हो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का और आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, तो इसकी जो साइज होती है ये ज्यादा बल्की होता है, लार्ज बल्की होता है, ये लेस बल्की होगा। इसके कंपेयर में ये जो ग्रुप होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा ये लेस बल्की होगा इन कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इजी कौन होगा, ए बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, फिर इसको। ठीक है, हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल कई टाइप के रिएक्शन देते हैं। पहला जो इसका रिएक्शन है वो डाइमराइजेशन, यानी जो फ्री रेडिकल होते हैं वह डाइमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसा रिएक्शन शो करते हैं, डाइमराइजेशन रिएक्शन, यानी अगर दो फ्री रेडिकल हैं तो वे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका एक फ्री रेडिकल, आपका कोई एल्किल फ्री रेडिकल है और कोई दूसरा फ्री रेडिकल है इस तरीके का, तो दो फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइज हो जाएंगे तो ए एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयरिंग करेगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू ए बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखो आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो यूनिट थे जो कि क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यानी यहाँ पे डाइमराइज हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो डिस्परवो, दूसरा जो रिएक्शन होता है आपका रेडिकल जो होता है वह दूसरे टाइप का किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, तो आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है। इसमें क्या होगा आपका, अब मान लो आपका कोई फ्री रेडिकल इस तरीके का है, ठीक है, और कोई इसी जैसा कोई दूसरा फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन हो तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे से डाइमराइज हो जाएंगे। अगर डाइमराइज नहीं होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो आपका, इसको आपको समझने की हो सकता है, रुको 1 मिनट,
जैसे मान लो आपका कोई फ्री रेडिकल, ये कोई फ्री रेडिकल है, इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब मान लो कोई दूसरा भी, जो दूसरा है फ्री रेडिकल, वो भी आपका इथाइल फ्री रेडिकल है। क्या है? इथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर क्या होता है, देखो ऐसी पौध, देखो ये आपको पता है कि एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल जो होते हैं आपके रिएक्टिव होते हैं, अब रिएक्टिव होंगे तो अगर ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा इस तरीके से। और जब होमोलिटिक फिशन होगा तो ये जो आपका इथाइल फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोजन जाकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये जो आपका इथाइल इथाइल फ्री रेडिकल था वह अब इथेन में चेंज हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। और जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बनेगा, एक यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन था ही, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जनरेट हो गया जब इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन हुआ। तो ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलोगे आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके का जो तीसरे टाइप का रिएक्शन शो करता है फ्री रेडिकल, वह एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन। और जो चौथे टाइप का रिएक्शन शो करता है वह होता है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन और सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम बात करेंगे कार्बिन के बारे में।